मॉर्निंग इंडिया, एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे फिर से मिले हैं, जहां हमने बात की आपके कानूनी अधिकारों की। अब बात करते हैं आपकी सेहत की। जीवन जीने का तरीका बदल रहा है, यानी कि लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, मौसम का मिजाज बदल रहा है, खान पान बदल रहा है। ऐसे में आप निरोगी कैसे रहें, स्वस्थ कैसे रहें, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर रीना अरोड़ा, आयुर्वेद एक्सपर्ट। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम बात करते हैं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की। ऐसे डिसऑर्डर्स, ऐसी परेशानियां, तकलीफें जो एक बुरे लाइफस्टाइल का नतीजा हैं, तो वो कौन से डिसऑर्डर्स हैं जो एक लाइफस्टाइल की खराबी के कारण होते हैं? जी, आजकल के गलत लाइफस्टाइल की वजह से कई बीमारियां उत्पन्न होने लग गई हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, बोन डिसऑर्डर्स हैं। इवन बच्चे भी कहते हैं कि मेरी टांगों में दर्द हो रहा है, और रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, स्लीप डिसऑर्डर्स हैं। तो ये सारे जो बीमारियां हैं, एक से दूसरी बीमारी होती जाती है। किसी को ओबेसिटी है, उससे डायबिटीज़, उससे फिर हाइपरटेंशन, उससे हार्ट डिजीज़। तो ये सारी प्रॉब्लम्स लाइफस्टाइल, गलत लाइफस्टाइल की वजह से होती है। यानी कि कहीं ना कहीं आनुवंशिक कारण भी हैं, कहीं ना कहीं फिजियोलॉजिकल इश्यूज भी हैं, इम्बैलेंसेस भी हैं, पर लाइफस्टाइल आई थिंक उसमें ऐड कर देता है, प्रॉब्लम को शायद ज़्यादा बढ़ा देता है। तो अब डेफिनेटली जिस तरह से आज का समय है, हम जो है सीडेंट्री हो गया लाइफस्टाइल, बैठने का ज़्यादा देर तक काम है, और बचपन में भी जैसे आपने कहा कि छोटी उम्र से दर्द की, जोड़ों की शिकायत आती है, तो कौन सी ऐसी आदतें हैं जो हम लोग बचपन में ही डेवलप कर लेते हैं और पता नहीं चलता कि आगे चलकर वो किस तरीके से बड़ी तकलीफ बन जाएंगी? तो कौन सी आदतें हैं जो बचपन में पैदा होती हैं? कुछ बच्चे दूध नहीं पीते, ये एक कारण है कि उनकी बोन्स की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाती। और डाइट्स में भी आजकल ट्रेंड हो गया है देसी घी कम देने का और रिफाइंड या ऑयल्स देने का। उनको बड़ा फिटनेस फ्रीक है यंग जनरेशन भी, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ग्रोइंग एज है, तो इसमें उनको रिच डाइट्स लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी बॉडी फॉर्म हो रही है इस एज में, तो तभी उनको वीकनेस भी ज़्यादा होती है। और दूसरा एक मैंने देखा है कि आजकल का यूथ स्पेशली बहुत देर देर तक जागते हैं। मतलब जो एक रात्रिचर्या आयुर्वेद में वर्णित है कि आप टाइम पे सोइए, वो कंसेप्ट तो ख़त्म ही होता जा रहा है। 11, 12, 1, 2 स्टूडेंट्स तो 3-3, 4-4 बजे सोते हैं सुबह। होता क्या है, बेसिकली रात को एक मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रेट होता है हमारी बॉडी में जब हम सोते हैं, और सुबह 7:30 बजे तक यूजली होता है। अगर हम उस टाइम पर नहीं सो रहे, वो हार्मोन सिक्रेट नहीं हो पा रहा, तो उससे कई और डिसऑर्डर्स पैदा होते हैं। थायराइड भी उसमें उस कैटेगरी में कुछ हद तक आता है, स्ट्रेस है, फिर बच्चों को इंडाइशन होती है। जब सोएंगे नहीं तो खाना कैसे पचेगा? अगर रात को जागेंगे तो उनकी वात कुपित हो जाती है, क्योंकि आयुर्वेद में 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। और वो वायु कुपित होने से 80 प्रकार के रोग होते हैं। तो हम उनका कारण खुद जनरेट कर रहे हैं। दूसरा एक और चीज़, बचपन में बच्चे स्कूल जाते हैं, जब टॉयलेट नहीं जाते पूरे स्कूल टाइमिंग्स में, 7 से 8 घंटा तक बच्चा स्कूल में रहता है, तो ये चीज़ स्कूलों में इस अवेयरनेस ये करवानी चाहिए कि उनको कैसा उनका लाइफस्टाइल होना चाहिए। मतलब ये कि सुबह अगर वो आ रहे हैं काम की जगह, मतलब स्कूल में आ रहे हैं, तो सुबह अगर वो निवृत्त होके आ रहे हैं और स्कूल में नहीं जा रहे हैं, जी, तो 8 घंटे तक टॉयलेट को रोकना आयुर्वेद में वर्णित है। 13 अधारणीय वेग है, यानी कि जिनको धारण नहीं करना चाहिए, उनमें मल मूत्र, इवन भूख को भी वेग का धारण नहीं करना चाहिए उसका भी। किसी को प्यास लगी है या किसी को मान लो उबासी आ रही है, तो वो टीचर्स की शर्म से, या क्लास लगी हुई है, या कुछ टीचर्स भी डिसिप्लिन के चक्कर में, मैं उनको वो नहीं कर रही, आई एम ऑल्सो फ्रॉम टीचर्स फैमिली, बट डिसिप्लिन के चक्कर में टॉयलेट या जाने देते, कुछ बच्चे भी हेजिटेट करते हैं, टॉयलेट साफ नहीं है या कुछ, तो इतना सब कुछ स्वच्छ भारत का चल रहा है, ये भी उसका एक हिस्सा। ये समस्या शायद लड़कियों के साथ ज़्यादा है, क्योंकि स्कूल अब तो स्थिति काफ़ी बेहतर है स्कूलों में, पर अभी भी कुछ स्कूल गांव देहात में ऐसे हैं जहाँ पे जो लड़कियों के लिए जो टॉयलेट्स हैं वो पूरे अच्छी तरह से नहीं हैं, और महीने के 4-5 दिन तो बेचारी लड़कियाँ स्कूल भी नहीं आ पाती हैं। और अगर आप टॉयलेट यूरिनेट नहीं कर रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, आप नहीं जा रहे हैं, तब तकलीफ पड़ सकती है। तो उनको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमें इतना टाइम टॉयलेट को रोकना नहीं है, हमें टॉयलेट जाना चाहिए, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है, right? और डाइट का भी मैंने आपको बताया कि बचपन से ही उनको हेल्दी डाइट्स की नॉलेज होनी चाहिए, इवन स्कूल कैंटीन्स में भी जितना पॉसिबल हो सके, क्योंकि बच्चे टीचर्स को पेरेंट्स से भी ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और स्कूल एक सीखने की जगह है जहाँ पे हम सोच के माइंड सेट है कि हमें वहाँ सब कुछ सीखना ही है, अच्छा ही अच्छा है जी, और इसलिए हम वहाँ पे जितना हेल्दी डाइट्स और हेल्दी लाइफस्टाइल बच्चों में इनकलकेट कर सकते हैं, और कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ये चीज़ हो सकती है।
तो इसलिए बचपन से अगर हम ये चीज़ करेंगे तो आप सोच सकते हैं कितनी अच्छी सोसाइटी का निर्माण होगा इससे। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी, क्या सेहत और स्वाद साथ साथ चल सकते हैं? जी, बिकॉज बच्चे जो हैं, या बच्चे क्या हम बड़े भी, अगर सेहतमंद चीज़ें जैसे स्प्राउट्स हो गए या उबला हुआ खाना है या सूप है, उसमें वो स्वाद नहीं है जो शायद पकौड़ों में होगा या पिज्ज़ा में या पराठा में होगा। सो क्या बच्चों के लिहाज से या बड़ों के लिहाज से भी दोनों को साथ मिलाकर चला जा सकता है? बिल्कुल चला जा सकता है। ये भी एक आयुर्वेद कुकिंग एक पार्ट है। आयुर्वेद में कुकिंग का भरमार है, मतलब जितना डाइट्स आयुर्वेद में एक्सप्लेन की हुई हैं, ये लिखा हुआ है हमारी बुक्स में कि खाना जो हो वो हृदय हो, हृदय यानी कि जो आपको अच्छा लगे। ये नहीं कि आप सिर्फ बॉयल्ड खाना खाइए या आप हर चीज़ लीजिए। अब जैसे हम फ्राइड लेते हैं, फ्राइड कुछ लोग कहते हैं नहीं फ्राइड बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, ऐसा नहीं है। जिनकी प्रकृति वायु प्रकृति है, जैसे 7 कॉन्स्टिट्यूशन आयुर्वेद में वर्णित हैं, कुछ वायु प्रकृति हैं, कुछ पित्त हैं, कुछ कफ है, तो उसके अकॉर्डिंगली भी डाइट्स मेंशनड हैं, सीजन के अकॉर्डिंगली भी डाइट्स मेंशनड हैं। तो जो वायु प्रकृति के लोग हैं उनके लिए तो फ्राइड कंपलसरी है, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस हैं। जो आप फ्राई करते हैं वो ऑयल आप रीयूज़ ना कीजिए, सरसों का ऑयल यूज़ कीजिए या तिल का तेल यूज़ कीजिए, रिफाइंड ना यूज़ कीजिए फ्राइंग में। और दूसरा, आप उसको ताज़ा खाइए, उसी टाइम बनाइए जिस टाइम आपने खाना है। बाजार के समोसे या कुछ खाते हैं और घर पे अगर बनाते हैं तो देर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, मतलब उसमें आपको कोई हेल्थ का ज़्यादा नुकसान नहीं होना है। अगर जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली अगर आप लेते हैं, आपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात की, सो एज एन इंडिविजुअल मैं कैसे पता करूँ कि मेरी जो प्रकृति है वो वात है, पित्त है, कफ है, कैसे पता चलेगा? मैं आपको थोड़ा मेन तीन तीन चार चार पॉइंट्स बता देती हूँ। वात प्रकृति के लोगों के लिए वेट गेन करना बहुत डिफिकल्ट है। पर कैसे पता चले कि मेरा मेरी प्रकृति सिम्टम्स वात है? अच्छा, सिम्टम्स हैं। हाँ, ये यूजुअली बहुत थिन लोग होते हैं वात प्रकृति के, हाइपर एक्टिव होते हैं वो, उनको ज्यादा नींद नहीं आती है ना वो ज्यादा सोते हैं, अलर्ट रहते हैं अक्सर। ये वायु प्रधान प्रकृति है। एक पित्त प्रकृति के लोग होते हैं जो कि जिनको एसिडिटी बहुत जल्दी होती है, ज़्यादा स्पाइसी फूड्स उनको सूट कम करते हैं, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा सात्विक और करियर ओरिएंटेड लोग होते हैं। तीसरे कफ प्रकृति के लोग होते हैं, यूजली मोटे लोग होते हैं, वेट लूज़ करना डिफ़िकल्ट है उनके लिए, और उनको एसी भी ज़्यादा सूट नहीं करता है, ठंडा बर्दाश्त नहीं होता है, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम्स उनको ज़्यादा होती हैं। तो ये तीन चार जो मैंने मेजर पॉइंट्स बताए हैं, ये लक्षण हैं, हाँ, इनसे आप डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज काफी क्वेश्चनियर्स वगैरह नेट पे भी दिए होते हैं, प्रकृति आप खुद अपनी एनालाइज कर सकते हैं। इवन मिनिस्ट्री क्या कंपोजिशन है, आयुष मिनिस्ट्री की साइट पे भी इसका क्वेश्चनियर दिया हुआ है, तो आप उससे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन निकाल सकते हैं। अदरवाइज बेस्ट है किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को विजिट कीजिए और अपनी प्रकृति जानिए और उसके अकॉर्डिंगली अपना लाइफस्टाइल और डाइट्स वगैरह में। चलिए, हमने पता कर लिया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन है, कैसी प्रकृति है। अब अगर आप हर वात पित्त कफ तीनों के लिए कैसा खान पान हो ये आप बता पाएं तो हमारे देखने वालों को डेफिनेटली लाभ होगा। जी, जो वायु प्रकृति वाले हैं उनको लाइट डाइट्स नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, एक जनरलाइज्ड वर्जन तो सारे लोग कह देते हैं कि आप एक्सरसाइज कीजिए, सैलड्स खाइए, फ्रूट्स खाइए, कोई देसी घी नहीं, कुछ ऑयली कुछ नहीं लेना। ये वायु प्रकृति वालों के लिए ब्लंडर है। स्प्राउट्स उनको नहीं लेने चाहिए, दे आर नॉट गुड फॉर देम, उनको सूट ही नहीं करते वो। कुछ लोग कहते हैं ना कि मैं स्प्राउट लेता हूँ बट मेरे को गैस बन जाती है, मेरे को सूट नहीं कर रहे, ये कारण है। और जो पित्त प्रकृति वाले हैं उनको गर्म चीज़ें ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए, स्पाइसी नहीं लेना चाहिए ज़्यादा, फ्राइड नहीं लेना चाहिए, उनको फ्रूट्स ज़्यादा लेने चाहिए, ताज़ा खाना लेना चाहिए, हल्का खाना लेना चाहिए। और जो कफ प्रकृति है, जो हैवी बिल्ट हैं, जिनका वेट लो, उनके लिए सैलड्स, उनके लिए ब्लैक पेपर, उनके लिए हॉट मील्स और उनके लिए एक्सरसाइज, विग्रस एक्सरसाइजेज। वायु प्रकृति वालों के लिए योगा, मेडिटेशन, ताकि उनका माइंड काम रहे, क्योंकि जो दिमाग है ना हमारा, ये उत्तम अंग है शरीर का, यहाँ से सारी बॉडी कंट्रोल होती है। अगर हम इसी को कंट्रोल नहीं कर रहे तो इसका मतलब पूरे हार्मोन्स डिरेंज होने हैं और पूरे हमारे फंक्शंस। एक प्रज्ञापराध मेंशनड है हमारी बुक्स में। प्रज्ञापराध मीनिंग हम जान के इंटेंशनली हम गलत काम कर रहे हैं, मुझे पता है कि मेरे लिए ठीक नहीं है उसके बावजूद मैं खा रही हूँ। यानी कि जो लत भी किसी इंसान को लगती है, किसी भी चीज़ की लत हो सकती है, आदत, वो जानते बूझते हुए आप गलत करते हैं, क्योंकि आपका नियंत्रण अपनी उस इंद्री पर या उस शौक पर, जिह्वा पर नहीं है। जी, इसका एग्जांपल अल्कोहलिज्म है। कुछ लोग डेली ड्रिंक्स लेते हैं, उनको पता है इससे लिवर खराब होता है बट दे कांट कंट्रोल। तो ये ऐसा ही कुछ और चीज़ें हैं। तो आपने इसे बीच में डायबिटीज़ की बात की थी, जब हमने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बात की, पर डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह के साथ आनुवंशिकता भी काफ़ी जेनेटिकली भी आप कभी कभार प्रोन हो जाते हैं, इंक्लाइंड हो जाते हैं, तो लाइफस्टाइल किस तरीके से डायबिटीज़ को बढ़ा सकता है, डायबिटीज़ होने की संभावना को बढ़ा सकता है? सेडेंट्री जो आजकल के रूटीन है सबके, ये बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज़ में।
मूवमेंट लोगों की ख़त्म ही हो गई है. घर से उतरते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी से सीधा ऑफिस में, और चलना तो बहुत कम लोग हैं जो एक डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करते हैं कि मुझे योगा करना है या मुझे वॉक करनी है. अदरवाइज़ मतलब मैंने देखा है कि एक्सरसाइज डिलीट होती जा रही है सबकी लाइफ स्टाइल में से, तो ये बहुत बड़ा कारण है. दूसरा, जंक फूड्स भी डायबिटीज़ में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं. हम रेडीमेड प्रोसेस्ड फूड्स मंगवाते हैं, ऑर्डर करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक्स, ये एक ट्रेंड है ये ऑफिसेज में खाने का, तो ये बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज़ में. ग्रीन वेजिटेबल्स ना खाना और प्रॉपर मील्स, जो हमारे रफेज वाले आटे जो हमारे एंसेस्टर्स यूज़ करते थे, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, जौ का आटा है, दे आर वेरी गुड फॉर कंट्रोलिंग डायबिटीज़. अगर आप ये सब करेंगे तो वैसे ही शुगर, क्योंकि ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है. तो जब हम एलोपैथी की बात करते हैं तो वहाँ पर प्रमाण की बात होती है, वहाँ पे टेस्ट होते हैं, और वहाँ पे जैसे हमने कहा कि जेनेटिकली देखा जाता है जो इम्बैलेंसेस बॉडी के अंदर पैदा हुए हैं. सो आयुर्वेद में, आयुर्वेद विज्ञान है डेफिनेटली, पर इसे किस तरीके से आप प्रमाणित करते हैं? आयुर्वेद को, आयुर्वेद शाश्वत है. आपको मैं इसका एग्जाम्पल देती हूँ. 5000 साल पहले से आयुर्वेद चल रहा है, आज तक क्यों जिंदा है, क्यों आयुष मिनिस्ट्री बनी, क्यों आयुर्वेद के पीछे लोग पागल हैं, क्योंकि उसकी हर एक चीज़, काफ़ी चीज़ें लैब में प्रूव हो चुकी हैं, कई रिसर्च पेपर्स आर लिमिटेड, और बाकी जो एक एक लाइन आयुर्वेद में लिखी है उसको भी अगर प्रूव करेंगे तो वो हो जाएगी, लेकिन उसमें शायद बहुत टाइम लगेगा. तो हमें इसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे, मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ, हम लोग पूरे पेशेंट्स ठीक करते हैं इससे, और जितने भी डाइट्स जो एक एक पेशेंट अगर कोई आए, पूरा उसको लाइफस्टाइल और डाइट जब हम बताते हैं, इवन बिना मेडिसिन के भी उसके शुगर डाउन आती है. तो आप देखिए इसका रिजल्ट, प्रमाणित है. जी जी. सो इसमें अगर अगर किसी को कोई भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और वो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास या आप जैसे प्रैक्टिशनर के पास जाते हैं, तो कितना समय, कुछ समय भी आप निर्धारित करते हैं कि आपके पास अगर ये रोग है तो इतने समय में आप ठीक हो जाएंगे, या फिर आप लाइफस्टाइल में ऑल्टरेशन, बदलाव बताते हैं जो जीवन पर्यंत करने पड़ते हैं? हर एक व्यक्ति के लिए किसी डिजीज़ से ठीक होने का जो टाइम है वो अलग होता है जी. उसमें एक चीज़ मैटर करती है, कितना वो मेरी बात को फॉलो करता है, किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर की, कितना वो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कर पाता है, कितना डाइटरी रेगुलेशंस को फॉलो कर पाता है जी, उस पर भी डिपेंड करता है कितने टाइम में वो ठीक होता है. और कुछ चीज़ें ऐसी हैं, देखो अगर जान के, अगर आप, वही मैंने प्रज्ञापराज जो बताया था कि आपको पता है कि मुझे ठंडा पीने से जुकाम होना है, और आप फिर भी आप कहो कि मैं, आप ठीक है, इतने दिन मैंने लाइफस्टाइल फॉलो किया, अब मैं दोबारा से डेली एक कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, तो अगर आपको सूट नहीं कर रही और उसी निदान का आप सेवन कर रहे हो, तो नेचुरल है वो प्रॉब्लम होगी. वो लाइफ लॉन्ग आपका ये नहीं हो गया कि आपने एक महीना लाइफस्टाइल ठीक कर लिया, उसके बाद आप जो मर्जी. यानी कि आयुर्वेद एक आपकी जीवन जीने की शैली है, आप इसे एक ट्रीटमेंट या एक कहते हैं कि इलाज की एक पद्धति के रूप में आप इसे नहीं देख सकते हैं, इसे पूरी तरह से जीवन में अपनाना पड़ेगा. आयुर्वेद की परिभाषा यही है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, यानी कि किसी स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए, आतुरस्य विकार प्रशमन, यानी कि बीमार की रोग, बीमारी कैसे ठीक की जाए, और एक स्वस्थ व्यक्ति की को स्वस्थ कैसे रखा जाए, उसको बीमारी ना आए. तो ये बहुत बड़ा पार्ट है इसका. इसीलिए यूजली लोगों को डॉक्टर के पास तब नहीं जाना चाहिए जब वो बीमार है, अपनी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए भी डॉक्टर्स को विजिट करना चाहिए. जी जी. आपने थोड़ी देर पहले इंटरनेट की बात की थी. अब कई बार लोग अपने डॉक्टर्स खुद बन जाते हैं, तो वो आप उसे कितना सही मानती हैं? जी, इंटरनेट पे देखा, उसमें ये लिखा है, मुझे ये करना चाहिए. सो एक प्रैक्टिशनर के पास जाना, एक डॉक्टर के पास जाना कितना ज़रूरी है? इंटरनेट पे आपने एक जनरलाइज्ड वर्जन पढ़ लिया, किसी ने कहा एलोवेरा पीना बहुत अच्छा है, आपने पी लिया. जी जी, दिस इज़ नॉट राइट. कुछ लोगों के लिए एलोवेरा स्ट्रिक्टली कंट्राइंडिकेटेड है, ऐसे ही हल्दी है, हल्दी वाला दूध आप ब्लाइंडली पिला रहे हो, सबको पी रहे हो, दिस इज़ नॉट राइट फॉर एवरीबॉडी. तो इसलिए इंटरनेट का जो है वो रिस्की है, वो डॉक्टरी आपका. अगर ये जो मैंने प्रकृति बताई है, इंटरनेट तो एग्जामिन नहीं कर रहा आपको कि आपका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है. दूसरा, किसी भी आदमी का जो अपना लाइफस्टाइल है वो आप इंटरनेट में फीड नहीं कर रहे कि मैं इतने घंटे ऑफिस में बैठा हूँ इसीलिए मेरी बोन्स में पेन है, मैं वॉक नहीं कर रहा हूँ, मेरा विटामिन डी कंटेंट इसीलिए कम है, मैं सनलाइट नहीं ले रहा हूँ, मैं फ्रेश एयर नहीं ले रहा हूँ, तो ये आपका डाटा तो उसमें नहीं गया ना. तो इसलिए जो गूगल की जो डॉक्टरी है वो रिस्की है. तो यू शुड विजिट अ डॉक्टर फॉर प्रॉपर कंसल्टेशन. आयुर्वेद में मौसम जो है उसे भी ख्याल रखा जाता है. तो अभी जिस तरह का मौसम है, बारिशें हैं, तो ऐसे मौसम में वात पित्त कफ वाले किन बातों का ख्याल रखें? जी, ऐसे मौसम में यूजली सबकी वायु कुपित हो जाती है, वात कुपित होने का सीजन है ये. जो पेन्स होती हैं, जिनको पुरानी पेन्स भी जाग जाती हैं इसमें, तो इसीलिए ऑयली सब्सटेंसेस थोड़े बहुत आपको लेने चाहिए इस सीज़न में.
मसाज करवानी चाहिए बॉडी में, रूटीन में भी आप करवा सकते हैं, जरूरी नहीं आपको कोई प्रॉब्लम है तो, ताकि आपकी बात एग्रेवेट ना हो और आपको उससे होने वाली बीमारियाँ ना हो। और बासी खाना यूजली ना लें, क्योंकि बीमारियाँ भी इस सीज़न में बहुत होती हैं। कटा हुआ फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह जो है वो पड़े हुए अनकवर्ड वो ना लें, ताकि जो पेट की बीमारियाँ डायरिया वगैरह बहुत होता है इस सीज़न में वो ना हो। कफ़ कोल्ड बहुत कॉमन डिजीज़ है आजकल, इस फैला हुआ है बहुत ज़्यादा वायरल, तो उसमें आप तुलसी बॉयल करके ले सकते हैं रोज़ प्रिवेंशन के लिए, गिलोय का पानी भी पी सकते हैं। और सफाई रखें घर पे, आप नीम के डिकॉक्शन से क्लीन करवा सकते हैं या गूगल का धूपन वगैरह कर सकते हैं। तो ऐसे मौसम में जैसे डेंगू जो मच्छर है वो भी काफ़ी फैलता है, तो उसमें आयुर्वेद क्या कहता है? उसमें आप एक तो मच्छरों से प्रिवेंशन कीजिए कि आपके घर में मच्छर ना आए। कुछ खाने पीने में कुछ ऐसा ले सकते हैं रेगुलर बेसिस पे प्रिकॉशनरी मेजर के तौर पर जिससे आप पहले से ही बच सकें? हाँ, गिलोय का सेवन कर सकते हैं जी कंटिन्यूसली, और तुलसी का पानी भी साथ में पी सकते हैं, उससे आपके प्लेटलेट्स भी डाउन नहीं जाएंगे जी। तो ये आपको, अगर आपको एक संयत रखेगा और आपकी सेहत का ख्याल रखेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरोड़ा, इट वॉज ग्रेट टॉकिंग टू यू। चलते चलते आप ये बताइए कि जो एक्सरसाइज की आपने बात की, जो शारीरिक व्यायाम की आपने बात की, वो कितना होना चाहिए? काफ़ी डॉक्टर्स कहते हैं कि हफ्ते में 3 घंटे, हफ्ते में 4 घंटे का एक्सर्शन ज़रूरी होना चाहिए। सो आयुर्वेद क्या कहता है कि कितना शरीर हिलना चाहिए? आयुर्वेद कहता है अपनी शक्ति के अनुसार, जितनी आपकी शक्ति है उससे आधी शक्ति के अनुसार व्यायाम कीजिए। अच्छा, जितनी शक्ति है उससे आधी शक्ति। हाँ, ये नहीं कि आप हाफ रहे हैं बुरी तरह, क्योंकि जिम में लोग 2-2 घंटा, 2.5-2.5 घंटा लोग लगे रहते हैं। लोग रात को किसी भी टाइम जिम जाते हैं, वो भी एक गलत है। इसका समय है एक्सरसाइज करने का, जिम जाने का? बेस्ट समय जो है एक्सरसाइज का वो मॉर्निंग है, क्योंकि उस टाइम कफ का टाइम होता है, हैवीनेस होती है बॉडी में, तो हमारी सेल्स भी एक्टिवेट हो जाती हैं। लोग किसी भी टाइम ऑफिस से आके 9-9 बजे भी जिम जाते हैं, वो गलत है। अर्ली मॉर्निंग उठिए, यही एक पूरा जो लाइफस्टाइल आपने पूछा मुझे, वो दिनचर्या यही है। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठिए, रात को जल्दी सोइए और सुबह ही एक्सरसाइज कीजिए आप जी। थैंक यू डॉक्टर अरोड़ा। समय जो है वो भाग रहा है और आपसे जो आज हमें बातचीत मिली अपने जीवन शैली को, अपने लाइफस्टाइल को नियत करने की, वो काफ़ी ही काम की थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। आपके कानूनी अधिकार हो या आपकी सेहत हो, हमें आपका ख्याल रहता है। उम्मीद है कि आपको आज की ये पेशकश पसंद आई होगी। अगली मुलाकात आपसे जल्द होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।